ऐसे टॉप 10 मूवीज के बारे में बताता हूँ जो हिंदी में अवेलेबल हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 10 इन्फिनाइट। ये मूवी 2021 में आई है। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी देखने मिलती है इवन नाम के बंदे की। उसको हर रात अजीब अजीब सपने आते हैं, ये परेशान हो जाता है। उसी बीच इसकी मुलाकात एक सीक्रेट सोसाइटी से होती है, जो कि उसको बताया जाता है कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, जो कि इस जन्म में बहुत ही खास मिशन पर भेजा गया है। वो मिशन क्या है, इवन इस मिशन को कम्प्लीट कर पाता है कि नहीं, ये मूवी देखकर जानो। ये बहुत बढ़िया एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जो नॉनस्टॉप एक्शन देखने मिलेगी। आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नंबर 9 द प्रिंसेस। ये मूवी 2022 में आई है। एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इसमें कहानी देखने मिलती है एक प्रिंसेस की। एक बुरा राजा उससे शादी करना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस उसको मना कर देती है। उसके बाद इसके राज्य पर हमला कर देता है और उसी के महल में बंदी बना लेता है। उसको मजबूर करता है कि उससे शादी कर ले, नहीं तो फैमिली मेंबर को और राज्य के सभी लोगों को मार देगा। कैसे प्रिंसेस अपने फैमिली मेंबर्स को राज्य को बचाती है, आप लोग इस मूवी के अंदर देखें। नंबर 8 मैन फ्रॉम टोरंटो। ये मूवी 2022 में आई है। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इसमें एक टोरंटो नाम के बहुत ही खतरनाक हिटमैन की कहानी देखने मिलेगी, जो पैसों के लिए लोगों का मुंह खुलवाता है और उनको मारता है। उसी बीच टोरंटो को दो लोगों का मुंह खुलवाने का मिशन मिलता है, लेकिन गलती से वहां पर टेडी नाम का बहुत ही सीधा साधा सेल्समैन वहां पर पहुंच जाता है। एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन के जगह पे एक सीधा साधा सेल्समैन पहुंच जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये मूवी देख के जाने। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको जरूर पसंद आएगी। ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नंबर 7 द आउटलॉस। ये मूवी 2017 में आई है। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी देखने मिलती है एक पावरफुल डिटेक्टिव की, जिसकी लाइफ मस्त चल रही होती है, लेकिन एक चाइनीज गैंग इसके सिटी में आकर दूसरे गैंग्स को मारने लगती है। वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों उन लोगों को रोक पाता है कि नहीं, इस मूवी के अंदर देखें। ये मूवी में बहुत ही कमाल की एक्शन कॉमेडी देखने मिलेगी, आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नंबर 6 किंग ऑफ स्नेक। ये मूवी 2020 में आई है। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में हमको कहानी देखने मिलती है एक ट्रेन की, जो कहीं पे जा रही होती है। उसी बीच बहुत ही बड़े सांपों का झुंड उन पर हमला कर देता है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं। बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए एक पास के गांव में चले जाते हैं। वहां पर इनको कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि सारे गांव वालों को सांप मार चुके होते हैं। आखिर इतने सारे सांप कहां से आए हैं, बचे हुए लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं, आप लोग ये मूवी देखकर जानें। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मूवी यूट्यूब पर मिल जाएगी, बाय और रेंट करें। नंबर 5 द फॉरएवर पर्च। ये मूवी 2021 में आई है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है पर्च की। पर्च के सारे मूवीज देख रखी है तो आपको पता होगा पर्च के बारे में। पर्ज में हर तरीके का क्राइम को लेकर कर दिया जाता है 12 घंटों के लिए। पर्ज के दौरान कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम कर सकता है, उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मारे कुछ भी करें, पुलिस उसको नहीं रोकेगी। इसी त्योहार को कहा जाता है पर्ज। हर साल बनाया जाता है यूनाइटेड स्टेट में। इस मूवी की कहानी दिखाई गई है कुछ लोगों की, जो कि पर्ज को किसी भी तरह सर्वाइव कर लेते हैं। जब ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, पता चलता है पर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। द फॉरएवर पर्ज स्टार्ट हो चुका है, जो 2400 घंटे पूरे साल चलेगा। ये लोग फॉरएवर पर्च को सरवाइव कैसे कर लेते हैं, आप ये मूवी में देखें। प्राइम वीडियो पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नंबर 4 स्लीपलेस। ये मूवी 2017 में आई है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है जहां पर लगभग सभी पुलिस वाले करप्टेड हैं, रिश्वतखोर हैं। इस शहर में क्राइम बढ़ गया है, आए दिन लूटपाट होती रहती है, लोग मर रहे हैं। इसी बीच मूवी में हमारा हीरो एक पुलिस वाला है, उसी के आंखों के सामने उसके लड़के को किडनैप कर लेते हैं, जिससे ऐसा काम करवाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल करना नहीं चाहता। जो उनका काम नहीं किया तो इसके बेटे को मार देंगे। वैसे में ये क्या कुछ करता है, आप इस मूवी में देखें। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नंबर 3 द प्राइवेट्स द लॉस्ट रॉयल ट्रेजर। ये मूवी 2022 में आई है। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाया गया है कुछ समुद्री लुटेरों की, जिनको खोया हुआ खजाने के बारे में पता चलता है। इनके पास खजाने का मैप तक नहीं होता, लेकिन खजाने का मैप और खजाने के खोज में निकल जाते हैं। इस एडवेंचर के सफर में किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस मूवी में देखें। ये बहुत ही कमाल की मूवी है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने मिल जाएगी। नंबर 2 लास्ट नाइट इन सोहो। ये मूवी 2021 में आई है। ये एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाया गया है एक लड़की की, जो एक गाँव में रहती है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। उसी
बीच इसका सिलेक्शन लंदन के कॉलेज में हो जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले जाती है और कॉलेज में हॉस्टल में रहने लगती है। तो इसको 1960 के एक सिंगर के ड्रीम्स आने लगते हैं और इसको वो सिंगर के रियल लाइफ में भी विजुअल आने लगते हैं। वो किस लिए आते हैं, आगे क्या होता है, आप लोग ये मूवी में देखें। ये बहुत ही कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी है, आपको ये मूवी कहीं भी बोर नहीं करेगी। ये मूवी हिंदी में प्राइम वीडियो पे देखने मिल जाएगी। नंबर 1 द माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये मूवी 2002 में आई है, एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी देखने मिलती है टॉम क्रूज की यानी जॉन एड्रॉन की। इस मूवी में ऐसे टेक्नोलॉजी दिखाया जाता है कि फ्यूचर में कोई भी क्राइम नहीं कर सके, जो भी आगे चल के किसी का मर्डर करना चाहता है तो इसी टेक्नोलॉजी से पता लगा के उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे में खुद हीरो फंस जाता है, वह इन सब से कैसे बचता है, अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करता है, आप इस मूवी में देखें। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बाय और रेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।